नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बकरी में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह चौकस है। इसी कड़ी में शुक्रवार की देर शाम पुलिस प्रशासन व अधिकारियों की टीम ने बकरी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसडीएम सन्नी कुमार सौरभ, एसडीपीओ चंदन कुमार, प्रशिक्षु एसडीपीओ सह थानाध्यक्ष चांदनी सुमन, इंस्पेक्टर हिमांशु कुमार सिंह, बीडीओ महेश चंद्र, सीओ राजीव कुमार, एसआई पुष्पलता, मनीष पंडित सहित अन्य अधिकारी कर रहे थे। यह फ्लैग मार्च थाना क्षेत्र के अखा, मोहनपुर, बागवन, राटन, बखरी, चकहमीद, पठानटोली, शकरपुरा, मक्खाचक, लौछे आदि गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन व अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने विभिन्न संवेदनशील जगहों का मुआयना भी किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का निवेदन किया है। कहा कि किसी तरह के अफवाह वाली सूचना पर त्वरित प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करें। पर्व दौरान दिन भर पुलिस गश्ती सक्रिय रहेगी। जी, जो है आज हम लोग मुहर्रम पर्व को लेकर फ्लैग मार्च निकाले हुए हैं। हम लोग हमारे अनुमंडल के जितने भी स्थानीय क्षेत्र हैं सभी जगह फ्लैग मार्च हो रहा है और जितनी भी मुहर्रम को लेकर के हमारी तैयारी है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह हर तजिया के साथ हम लोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है। सारे की वाटी लेकर के हम लोग रोड पर रहेंगे 24 घंटे। कल जो है शांतिपूर्ण ही होगा, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, हर जगह से अच्छा फीडबैक आ रहा है, कहीं